अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे इज मेन्यू। जी तो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही मजेदार सा भुना मटन मसाला। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा कप के बराबर देसी घी लिया है यहाँ पर मैंने। घी मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक बड़ा प्याज। प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। तो गाइज यहाँ पर प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, एक टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च, जीरा, अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर। आप चाहे तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और अब मैं कर रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 500 ग्राम के बराबर मटन, और अब हम इस मटन को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। जी तो गाइस, यहाँ पर मटन का पानी ड्राई हो चुका है, और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 से 5 बड़े टमाटर। टमाटर डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। तो गाइज यहाँ पर 4 से 5 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है, और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर प्रेशर कुक करके मटन को गला लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी तकरीबन नरम हो चुका है, टमाटर प्याज और मटन भी हमारा गल चुका है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और अगर इसके अंदर पानी हुआ तो उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर क्रीम, और ये इसको बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर देगी और बहुत ही मज़ेदार सा जायका देगी। क्रीम डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम हल्की आग पर पकाएंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जूलियन कटी हुई अदरक, और सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर डालूंगी कसूरी मेथी। और कसूरी में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।